गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं सरफेस इंटीग्रल का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल वेयर ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस गिवन है एंड एस इज द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। हमारे पास यहाँ पर एक सिलेंडर की इक्वेशन मीन्स ये सर्कल है और उसकी हाइट क्या है, जेड इक्वल्स टू जीरो टू जेड इक्वल्स टू फाइव। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास ये सर्कल है, ये सर्कल क्या एक्स वाई प्लेन में है और उसकी हाइट अबव जेड एक्सिस में है, जीबेरी कर रहा है जेड इक्वल्स टू जीरो टू जेड इक्वल्स टू फाइव तक। मीन्स कि ये जो आपका सिलेंडर है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्लियर। और इसका जो ये कर्व सरफेस एरिया है ये जेड के अलोंग ये अराउंड ये कर्व सरफेस एरिया, क्लियर। तो आप जब इसके ये सरफेस है, कर्व सरफेस है, इसकी जो आप प्रोजेक्शन लोगे वो आप एक्स वाई प्लेन में नहीं ले सकते क्योंकि ये आपका जो पूरा सिलेंडर है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्लियर। तो ये जो कर्व सरफेस है इसकी प्रोजेक्शन आप जा तो फिर लो जेड एक्स प्लेन पे, जा फिर लो आप जेड वाई प्लेन पर, क्लियर। हम जेड एक्स प्लेन पर इसकी प्रोजेक्शन लेंगे, क्लियर। नाउ आपने ये सरफेस इंटीग्रल इवेल्युएट करना है ds, अगर हम इसकी प्रोजेक्शन ओवर द रीजन r ले रहे हैं देन a वेक्टर डॉट n कैप कौन से प्लेन पर ले रहे हैं, dz x प्लेन में अपॉन n कैप डॉट, हाँ जी z x प्लेन में ले रहे हैं तो y का थर्ड कंपोनेंट हमारा y होता है, y के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, j, तो ये इक्वल्स टू दिस होगा, क्लियर। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले जो हमें एम कैप चाहिए, ये एम कैप किसके इक्वल होगा, डेल फाई अपॉन डेल फाई का माइनस, ये डेल फाई, फाई हमारे पास क्या है, फाई जो हमारा गिवन सरफेस है माइनस 16, क्लियर। तो डेल फाई इक्वल्स टू क्या होगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, फाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 16। नाउ कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ दिस फाई देन आएगा टू एक्स आई कैप प्लस टू वाई जे कैप, तो z कंपोनेंट आपका जीरो प्लस जीरो के क्या, क्लियर। नाउ डेल फाई का मॉड क्या बनेगा, हमारे पास i के कंपोनेंट क्या है 2x, y के कंपोनेंट, j के कंपोनेंट क्या है 2y, 2x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर का अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्लियर। तो एम कैप हमारे पास बन गया डेल फाई अपॉन डेल फाई का मॉड इक्वल्स टू टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आपके कैंसर इक्वल्स टू एक्स कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास गिवन 16, मीन्स 16 का अंडर रूट इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन 4, ये आपका एन कैप आ गया, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमने इवेल्युएट करना है ए वेक्टर डॉट एन कैप, ए वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू, नाउ ए वेक्टर जो आपके पास गिवन है वो है आपके पास जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप माइनस थ्री वाई स्क्वायर जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट इसके किसके साथ लेनी है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बाय 4, क्लियर। नाउ आई का कंपोनेंट यहाँ पर जेड है, यहाँ पर एक्स है, तो जेड एक्स बाय 4 प्लस जे का कंपोनेंट एक्स वाई बाय 4, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपको एम कैप डॉट जे कैप चाहिए, एम कैप डॉट जे कैप, एम कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बाय 4, डॉट प्रोडक्ट करें तो जे कैप, यहाँ पर जे का कंपोनेंट क्या है, वाई बाय 4, वाई बाय 4, क्लियर। तो आपका ये जो रीजन है वो बन जाएगा ए वेक्टर डॉट एम कैप
dx dz upon n cap dot j cap equals to a vector dot n cap zx plus xy by 4 into dx dz upon y by 4. Clear? Over the region R. Equals to over the region R zx by 4. ये 4 के साथ तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 को तो हम खत्म कर देते हैं, zx by y plus x by y, y by y dx dz. क्लियर? तो ये आपके पास आ जाएगा r, ये y के साथ y कैंसिल, x plus zx by y dx dz. क्लियर? ये आ गया आपके पास, क्योंकि बेटा ये आपका सब कुछ zx प्लेन में है, तो ये y की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ z एंड x पुट कर लेंगे, तो x square plus y square equals to हमारे पास क्या था, 16 था, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16 minus of x square. क्लियर? प्लस माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव ऑक्टेन में है तो हम सिर्फ प्लस वैल्यू लेंगे, अनरूट ऑफ 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स डी जेड. क्लियर? अब हमें एक्स और जेड की लिमिट्स चाहिए. क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि जेड वेरी कर रहे हैं 0 टू 5. क्लियर? तो जेड की तो लिमिट होगी जेड वेरीज फ्रॉम 0 टू 5, और एक्स की लिमिट्स क्या होंगी, एक्स हमारा जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोजेक्शन हमने ले ली है जेड एक्स प्लेन में, तो हमारा वाई कंपोनेंट उस रीजन में 0 है. क्लियर? तो वाई कंपोनेंट आपका 0 हो रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एक्स वेरीज फ्रॉम प्लस माइनस 4, क्योंकि अब सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेन में क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव ऑक्टेन, फर्स्ट ऑक्टेन मीन पॉजिटिव ऑक्टेन, तो एक्स वेरी करेगा 0 टू 4. क्लियर? तो ये आपके पास आ गया z इक्वल्स टू 0 टू 5, x इक्वल्स टू 0 टू 4, x प्लस z अनरूट ऑफ 16 माइनस ऑफ x, सॉरी 16 माइनस ऑफ x स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाय 2 इंटू x डी जेड. क्लियर? क्योंकि बेटा आपके पास ये एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, मीन्स इस फंक्शन के साथ उसका अगर डेरिवेटिव बड़ा है तो इसके इंटीग्रेशन क्या होंगी, एफ एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन. क्लियर? तो ये देखो इस फंक्शन के डेरिवेटिव क्या है, माइनस टू एक्स, ये एक्स है तो माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस टू के साथ हम डिवाइड कर देते हैं. क्लियर? अब इंटीग्रेशन करते हैं z इक्वल्स टू 0 टू 5 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन की, इसके आगे आपके पास x स्क्वायर बाय 2 प्लस z बाय माइनस 2, इसकी इंटीग्रेशन की तो 16 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 कितना हो गया 1 बाय 2 अपॉन 1 बाय 2, लोअर लिमिट x की है 0, अपर लिमिट है x की 4 dz इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 0 टू 5 एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 के साथ कैंसल, माइनस जेड 16 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 एक्स इक्वल्स टू 0 टू 4 डी जेड, ये इक्वल्स टू आ जाएगा जेड इक्वल्स टू 0 टू 5. नाउ अपर लिमिट पुट करते हैं, 4 पुट किया, 4 स्क्वायर 16, 16 बाय 2 कितना आ गया 8, लोअर लिमिट पुट की 0, माइनस जेड अपर लिमिट पुट की 4 4 16, 16 माइनस 16 0, माइनस लोअर लिमिट पुट की 0 हो गया, तो 16 के अनरूट कितना हो गया 4 dz. तो ये आपके पास बन जाएगा z इक्वल्स टू 0 टू 5 8 प्लस 4 z dz. क्लियर? इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, 8 z प्लस 4 z स्क्वायर बाय 2 z इक्वल्स टू 0 टू 5. अपर लिमिट पुट करते हैं 5, लोअर लिमिट पुट की 0 प्लस 2 टू 4 2, अपर लिमिट पुट की z में z स्क्वायर 25 माइनस ऑफ 0 इक्वल्स टू 8 5 जब 40 प्लस 25 इंटू 2 50 इक्वल्स टू 90.
दिस इज अवर आंसर. होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छी तरह से. थैंक यू.